सारिया ने शराब पीती सी। शराब पीती थी उन्होंने गालां कढ़ियां, बांह ते डंडे मारे, सिर च डंडा मारिया। मेरे भैन की बेटी सी बैड ते सुती है, कहिंदे तेरी बेटी है। मैं कहा नहीं, मेरी बेटी नहीं है, मेरी भैन की बेटी है। तो मैं कह जबरदस्ती करन लग पे, बाहों खिंच के गली च लै गए, कपड़े भी फाड़ते सी। सोशल मीडिया से एक वीडियो बहुत तेजी नाल वायरल हो रही है, जिस विच पंजाब पुलिस के मुलाजमान का कई व्यक्तियों वालों विरोध किया जा रहा है। दसदे हां तुहानू ये पूरा मामला, पहला तुसी देख लो ये वीडियो। दरअसल ये मामला अमृतसर तो सामने आया, जिथे पुलिस की कार्रवाई दौरान पुलिस से गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। पुलिस के इल्जाम लगाने वाले ने दसिया कि रात करीब 11 बजे कुछ पुलिस मुलाजम उन्होंने घर आए और एक नौजवान बिना किसी कसूर तो फड़िया गया, जिसका विरोध करने से मुलाजमान वालों उन्होंने भी कुटमार करनी शुरू कर दी गई। अचानक ही नंग आए, मैं तो मेरी मम्मी सी घर कल्ले, मैं उत्थे बाहर सुती सी, ते ना उन्होंने पूछा कौन हो तुसी, ना नाम पूछा, सीधा ही आन वड़ गए अंदर। ते ओ मेरा छोटा भरा सी चाचे दा मुंडा, ते उन्हूं फड़न लग पे, कहिंदे इन्हूं लैके जाना है। असीं कहा कि वह दिमाग तो थोड़ा सीधा है, उन्हूं कुछ नहीं पता हैगा, तुसीं उहदी गलती ते दसो। कहिंदे नहीं, उन्हूं लैके जाना ही जाना है। ते ओ फिर असीं जान नहीं दिता, असीं उन्हूं खिंचदे सी, ते उन्होंने सारिया ने शराब पीती सी। शराब पीती थी उन्होंने गालां कढ़ियां, बांह ते डंडे मारे, सिर च डंडा मारिया मेरे, ते गालां कढ़ियां। मेरी वड्डी भैन दे वी आई होए, मेरी एक भैन सी वह हुण चल गई आ सवेरे, उहदे वी उन्होंने वीडियो च वाल पुट्टे, वह वीडियो भी हैगी आ साडे कोल। जबरदस्ती करन लग पे, बाहों खिंच के गली च लै गए, कपड़े भी फाड़ते। जबरदस्ती लै गए, अजे बाहरों आए सी, ते उन्होंने उन्होंने कारण पुछिया कि तुसी मेरी बेटी दी बांह नूं इदां क्यों कीता, ते उल्ट उन्होंने ही गेट चो घड़ीसदे लै के गए जबरदस्ती। जदों इस बारे पुलिस अधिकारी नाल गलबात कीती गई तां उन्होंने पुलिस दे लगे सारे इल्जामां नूं नकारदिआं कहा कि उन्होंने वालों नौजवान कोल नशीली समगरी होण ते उसदी तलाशी लई गई, तां उह नौजवान फरार हो गया। नौजवान नूं घर जाके उसनूं गिरफ्तार किया गया, तां उसदे परिवारक मैंबरां वल्लों उन्हां ते हमला कर दिता गया। पुलिस ने कहा कि उन्हां ते हमला करन वाले व्यक्तियों की पुलिस वल्लों पहचान की जा रही है, जिस तों बाद उन्हां व्यक्तियों ते सख्त कार्रवाई की जाएगी। हां सर, की मामला जिहड़ा एक वीडियो भी वायरल हुई है? देखो जी, वीडियो वायरल हुई है, तुसीं देखी? मैं तो देखी नहीं, मैं तो पुलिस कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, सत्कारयोग DGP साहब, मेरे माननीय कमिश्नर साहब जी वालों दर्जा बदर्जा जिहड़ियां हदायतां, तुहानूं भी सारयां नूं पता ही है कि आ पिछले दो हफ्ते तों लगातार नशे विरोधी कार्रवाई लई बड़ा जंगी पद्धर ते कार्रवाई की जा रही है। उस रूटीन दीआं कार्रवाइयां, सर्चां, रेडां,
जिहदे विच मैं भी अपनी नाकाबंदी खत्म करके तो बाहर सर्च लई निकलिया सी। गश्ती ते रवाना सी असीं पुलिस पार्टी, सानूं एक शक्की नौजवान नज़र आया, उन्हें ही रोक के उसकी तलाशी लैन की कोशिश की, तो वह बंदा जेब से समान छोड़ के तो भज गया, जिसनों साढ़े वालों गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा ते सर गिरफ्तार उस शख्स किया गया कि फट के किसी और गए थे गिरफ्तार किसी और नहीं, इस तरह नहीं जी, गिरफ्तार उसने किया गया। उसने जो देखा भी मेरिया फरदास जी सा एक रूल है भी जिते काम करी कार्रवाई भी सारी उत्थे अमल च लियाओ, असं वो फरदास वगैरह तैयार करते पे से, तो उत्थे ही उन्होंने उची उची आवाजा मार के बाई नेम ताया पापा रोहित जग्गी का कुछ नाँ ले उन्हें उची उची बड़ी आवाजा मारियां, बड़िया चीख झाड़ा पाया, वो सारा परिवार ही बाहर आ गए, घर भी कि लागे से वह, तो वह सारा परिवार ही बाहर आ गए, तो साढ़े ना थोपाई हो गया, तो चलो असी उन्हों की परवाह नहीं की, से अपनी कार्रवाई अमल में लिया रहे, उन्होंने ही अपनी गिरफ्त रखिया। अच्छा मोहित उर्फ मोती देखी। अच्छा नहीं जी, जेड़ा तो मोहित मोती है नौकरी नहीं करता, वह गैर कानूनी काम करता, तुहानू भी पता सारे महल्ले भी पता ही है, पर लेकिन ताया जी जिन्हें पुलिस से पथराव किया, पुलिस तो उन्होंने भजा के लैन सब तो पहला जो रोल उन्हें निभाया जी, जी बिल्कुल सर, उन्हें पुलिस के हथी पाया सब तो वो उन्हें पत्थरबाजी की रो सा सब तो पहला उन्हें ही आके सड़ना शुरुआत की हथी पैन बिल्कुल सर बिल्कुल ये गलत गल है जी। तुम अपनी वीडियो से वेखो भी औरतों ने असी कुटमार करके जो औरत साढ़े गल पै रही जी, दोषी ने छुड़ा रही हैं साढ़े दंदियाँ कई कुछ चीज़ा साढ़े उन्होंने मारियाँ, एक तो लास्ट तक तो मतलब कि पथराव बहुत ज़्यादा मीह वगू पथराव किया जी, फिर भी असी दोषी ने छड़िया नहीं, दोषी ने कब्जे च रखिया, लेकिन लाइट बंद हुई तो वेद जाने किस तरह मतलब कुदरती लाइट बंद हो जाती जी जाती है, ये हम तफतीश का विषय ना, ये तो वेखे जाऊगा पता किया जाऊगा बाद वोदेरे फिर उन्हें ज़्यादा मीह वगू इटा रोटा वधाया वधाया, तो जो असी अपने आप सेव कर लगे दोषी ने सेव कर लगे तो वो उस दौरान ही छुड़ा के साथ को भजा के लै गए सर सर साढ़े का ही सोटा क्यों मारी जी, साढ़े को आर्मड भी सी हथियारबंद भी सी, असी सोटा मारना क्यों ही जो साढ़े को पथराव अं तो नहीं अपने अपने आप बचाने लिए कोई वरतों की कोई चीज लिया तो छोटा तो मारने की कोई गल नहीं, तुम्हें लगता कि छोटा बच्चा कितने एक व्यक्ति अरैसट कर लिया जी, असं बाकी गिरफ्तारी छापामारी की जा रही बिल्कुल गिरफ्तार किया जाऊगा, वीडियो तुहाडे कोल मौजूद है साडे कोल मौजूद है, उन्होंने पहचान करके उन्होंने गिरफ्तार करके बनती कार्रवाई की, हाँ जी 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, हेरोइन बरामद हुई 6 ग्राम ठीक है सर। इस मामले विच पुलिस ते आम लोकां वल्लों बुरी तरह कुटमार करन दे इल्जाम लगाए गए ने, पर पुलिस वल्लों इन्हां इल्जामां नूं नकार दिता गया। इस मामले दी असल सच्चाई की है ए तां जांच तों बाद ही पता लग सकेगा। अमृतसर तों हरजीत करेवाल, पंजाबी लोक चैनल।